जब मैं साल को टाई तो मैंने एक बिल्कुल अपने घर के टीवी लॉन से काम करना शुरू किया था। हम आहिस्ता आहिस्ता काम को आगे बढ़ाते गए। उसके बाद फिर मैंने अपना स्टूडियो बनाया बेकिंग का प्रॉपर। हंड्रेड्स ऑफ लड़कियां मुझसे काम सीख के गई हैं सारा। और जब मैंने कैफे खोला तो बहुत सब लोगों ने इनकरेज किया था, क्योंकि ये एक वुमेन बेस्ड बिजनेस है। रेसिपीज क्रिएट करने में पूरा 1 से 2 महीने लगे मुझे सारी रेसिपीज क्रिएट की। सिनेमन रोल्स है हमारे बेस्ट सेलर्स, वो कभी भी सियालकोट में कोई भी पहले नहीं सेल करता था। लंदन का कैफे था बहुत अच्छा, वहां से मैंने सिनेमन रोल्स की रेसिपी वगैरह कलेक्ट की। बाद में इतना अच्छा काम हो गया था कि मुझसे हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। मेरे साथ मेरी बहनों ने बहुत हेल्प की, हमने मिलके इसको जितना हो सकता था हमने एक्सपैंड किया। मोस्टली हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, इंटरनेशनल कस्टमर्स, जितने भी बाहर से लोग आते हैं वो ट्राई करते हैं हमारी चीजें यहाँ से और वो लेके जाते हैं डिजर्ट्स बॉक्सेस बनवा के। इनको कहा कि अब निकलें मैदान में, आए, मुश्किलात आएंगी उन्हें फेस करें, कोई बात नहीं हम आपके साथ हैं। पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बच्चियों को इस तरह बंद ना रखें, बाहर निकालें, वो लड़कों से ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है और लड़कों से ज्यादा आउटपुट दे सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामईन, मेज़बान मोहित सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन किराम मेरे साथ मौजूद हैं अमन, जिन्होंने मैट्रिक के बाद अपना एक स्टार्टअप लिया, अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। आज माशाल्लाह से ये एक अपना सक्सेसफुल जो है वो बिजनेस रन कर रही हैं। घर के एक टीवी लॉन्च है, इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और आमतौर पर हम देखते हैं कि मैट्रिक की बच्चियाँ जो है वो किसी बिजनेस की तरफ नहीं आती मैट्रिक करने के बाद, उनका यही होता है कि वो किसी स्टडी की तरफ अपनी तवज्जो दें। लेकिन इन्होंने माशाल्लाह से ये बिजनेस स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह से एक ये खूबसूरत सा कैफ़े जो है वो ऑन कर रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी बेसिकली मोटिवेशन क्या थी इसके पीछे और किसने इन्हें इनकरेज किया और क्या क्या डिफ़िकल्टीज जो है इन्हें इस बिज़नेस में जो है वो फेस करनी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये अमन, ये बताएं कि आमतौर पर लड़कियां ये होती हैं कि मैट्रिक जिन्होंने किया होता है वो ये सोचती हैं कि कुछ दिन जो है वो फूफो के घर जाके या किसी रिलेटिव के घर जाके जो है वो हॉलीडेज इन्जॉय करें और उसके बाद जो है वो कॉलेज में एडमिशन लें, वो कह लें कि अपने बिजनेस की तरफ नहीं आती या वो मेहनत नहीं करना चाहती सीधे लफ्जों में। तो आपने ये इनिशिएटिव जो है वो किस तरह लिया और आपकी इस काम में बेसिकली मोटिवेशन क्या थी? मैं जब मैट्रिक फिनिश हुआ था 2016 में, तो मुझे यही था कि मुझे पेरेंट्स ने बहुत इनकरेज किया था कि कुछ करना चाहिए आपको ऑब्वियसली। उसके बाद मैं कोथम गई, मैंने कोथम का पेज वगैरह देखा, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ पे वो बड़ा आपको सिखाते हैं कि आपको कैसे आना चाहिए फील्ड के अंदर, कैसे काम करना चाहिए। वहाँ से मैंने एक साल कुकिंग का कोर्स किया, सबसे पहले कुकिंग का कोर्स किया, मेरा 1 ईयर का डिप्लोमा था वो फिनिश हुआ। साथ साथ मैं अपना फर्स्ट सेकेंड ईयर भी कंटिन्यू कर रही थी ताकि मुझे पता हो कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। यहाँ पर आई, काम शुरू किया थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन कुकिंग भी अच्छी थी, मुझे उसका कोई इतना थोड़ा बहुत किया काम, लेकिन कुकिंग का थोड़ा स्कोप कम था एज़ कम्पेयर टू। फिर मुझे बेकिंग बहुत ज़्यादा इंस्पायर की, मैंने कोथम का दोबारा नेक्स्ट ईयर का कोर्स ज्वाइन किया, बेकिंग एंड पेटिसरी शेफ का कोर्स था वो। वहाँ से मैंने की सारी बेकिंग सीखी, वहाँ पर मेरी मैम वगैरह सब बहुत अच्छे थे। वहाँ से फिर मैंने अपनी कंपटीशंस में, नेस्ले के कंपटीशंस होते थे हमारे, जो भी कंपटीशंस थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्ट लिया कंपटीशंस में, थोड़ा बहुत सीखा वहाँ से, किया काम वगैरह। जब मैं साल को टाई तो मैंने एक बिल्कुल अपने घर के टीवी लॉन से काम करना शुरू किया था। अपने घर के जितने भी इवेंट्स होते थे उस पर केक्स वगैरह बनाए, सबसे इतनी इंकरेजमेंट मिली। फिर मैंने सोशल मीडिया पर जब पेज बनाया वहाँ पे अपने सेल्स वगैरह शुरू की, मार्केटिंग शुरू की, उस पर कस्टमर्स के रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। फिर सारी फैमिली सपोर्ट के साथ मिलकर, मेरी बहनों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी इसमें, हम आहिस्ता आहिस्ता काम को आगे बढ़ाते गए। उसके बाद फिर मैंने अपना थोड़ा सा काम को एक्सपैंड करने की कोशिश की, अपना स्टूडियो बनाया बेकिंग का प्रॉपर। कुछ अर्से बाद फिर मैंने वहाँ पर अपनी क्लासेस का प्लान किया कि मैं अब खुद काम कर रही हूँ तो मुझे लोगों को भी आगे सिखाना चाहिए ताकि हर कोई इंडिपेंडेंट हो सके और अपने लिए काम कर सके, कोई मुश्किल ना पेश आए किसी के लिए। एक साल फिर मैंने सब लड़कियों को सिखाया, बेकिंग वगैरह सिखाई, हंड्रेड्स ऑफ लड़कियां मुझसे काम सीख के गई हैं सारा। अब ऊपर अभी भी मैं क्लासेस वगैरह करती रहती हूँ साथ साथ, ताकि मेरा मकसद ये होता है कि हर कोई काम करे और हर कोई इंडिपेंडेंट होके कर सके सब। अच्छा, सोशल मीडिया पे आपने स्टार्ट किया था, उसका रिस्पॉन्स कैसा था? जब मैंने सोशल मीडिया पर स्टार्ट किया शुरू में, तो ऑब्वियसली मुझे उसको टाइम लग रहा था, उसको प्रमोशन करने में, सब कुछ करने में, पर बाद में इतना अच्छा काम हो गया था कि मुझसे हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। मेरे साथ मेरी बहनों ने बहुत हेल्प की, हमने मिलके इसको जितना हो सकता था हमने एक्सपैंड किया। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे एक आउटलेट खोलनी चाहिए सियालकोट में। मैंने एक कैफ़े खोला कॉर्सो बेक्स के नाम से, उसका सारा प्लान वगैरह किया, उसके लिए एक टीम हायर की, सारी प्रोफेशनल टीम हायर की, दूर दूर से मेरे पास शेफ आए, उनका टेस्ट किया, हमने सारे ट्रायल्स किए, रेसिपीज सारी बनाई जितनी भी थी। रेसिपीज़ क्रिएट करने में पूरा 1 से 2 महीने लगे मुझे सारी रेसिपीज़ क्रिएट की। एक लाहौर में शेफ़ थी मोमना जक्का, उनके साथ मिलकर मैंने सारा काम किया।
फिर हमने कैफे में आए और फिर हमने यहाँ से अपना कस्टमाइज केक्स का काम शुरू किया, डिजर्ट्स वगैरह लॉन्च किए, डिफरेंट डिफरेंट डिजर्ट्स, सिनेमन रोल्स हैं हमारे बेस्ट सेलर्स, वो कभी भी सियालकोट में कोई भी पहले नहीं सेल करता था, उनको लेके आई, उनकी रेसिपीज थी, एक लंदन का कैफे था बहुत अच्छा, वहाँ से मैंने सिनेमन रोल्स की रेसिपी वगैरह कलेक्ट की, कुछ रेसिपीज़ को मिक्स करके मैंने एक एक रेसिपी क्रिएट की जिसमें मुझे काफ़ी देर लगी, मेरे स्टाफ को, मेरी टीम को, हर किसी ने एक बहुत अच्छा पार्ट रोल किया। और इसमें आई थिंक मेरे पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा क्रेडिट है जिन्होंने सपोर्ट किया इस पूरी चीज़ को बनाने में। अच्छा, ये बताएं कि सियालकोट में जैसा कि डिज़र्ट्स की हम देख रहे हैं कि बहुत एक कमी सी महसूस होती है, जब भी लोगों ने जो है वो अच्छा डिज़र्ट खाना हो तो वो लाहौर या गुजरांवाला का रुख करते हैं, तो आप क्या समझती हैं कि आप जो ये डिज़र्ट्स के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनका मुकाबला करती हैं? सबको पता है कि सियालकोट में डिज़र्ट्स वगैरह का कंपैरिजन अभी हम बाकी जगहों से नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कम है, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है जो डिज़र्ट्स वगैरह होते हैं। इस वजह से मैंने अभी इस काम को स्टार्टअप दिया है और आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली मेरी जो चीज़ें हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स कंपेयर करती हैं। मोस्टली हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, इंटरनेशनल कस्टमर्स, जितने भी बाहर से लोग आते हैं वो ट्राई करते हैं हमारी चीज़ें यहाँ से और वो लेके जाते हैं डिज़र्ट्स बॉक्सेस बनवा के, वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को और लोग हमसे डिज़र्ट बॉक्सेस बनवा के बाहर लेके भी जाते हैं। और फिर वो कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि हमारे लॉयल कस्टमर्स हो जाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं, कोई बाहर से हो जिन्होंने यहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह भेजने हो वो हमसे ऑनलाइन एक्रेलिक डिज़र्ट्स ट्रे होती हैं हमारी वो बनती हैं, वो सब अपनी बुक करवाते हैं और यहाँ से हम उनको डिलीवर कर देते हैं जिधर भी उन्होंने अपनी भेजनी होती हैं बिलव्ड वंस पे। या आपने काम शुरू किया स्टार्टिंग में, जैसा कि आप बता रही हैं कि मैट्रिक के फौरन बाद जो है वो मैं इस फील्ड में आ गई, तो वब से लेके अब तक बहुत सारी मुश्किल भी आई होंगी, क्या क्या आपको डिफिकल्टीज जो है वो फेस करनी पड़ी? डिफ़िकल्टीज तो बहुत सारी फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रो करना एज़ कम्पेयर टू बाकी शहरों से थोड़ा मुश्किल है। सियालकोट एक थोड़ा सा बैकवर्ड शहर है जहाँ पे आपको अपनी जगह बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये होता है कि आपको ऑफिस से जब आप एक काम कर रहे हो तो कंप्लेंस वगैरह देखना, या यहाँ पे लोगों को पाउंड्स का नहीं पता कि केक के क्या पाउंड्स होते हैं किस तरह है, उसको मुझे शुरू में मैयर करके देना पड़ता था क्योंकि बटर क्रीम केक्स होते हैं उस पर गनाश लगती है, बटर क्रीम लगती है, उसका वेट ज़्यादा हो जाता है, तो मुझे हमेशा उसको मैयर करके लोगों को तस्वीर भेजनी पड़ती थी कि यह पाउंड्स देख लें, ये एग्जैक्टली पाउंड्स हैं। इस तरह के होते हैं, कुछ लोग बहुत अप्रिशिएट करने वाले होते हैं, लोग बहुत प्यार भी देते हैं। और जब मैंने कैफे खोला तो बहुत सब लोगों ने इनकरेज किया था क्योंकि ये एक वुमेन बेस्ड बिजनेस है जिसमें सबने मिल के, एक फैमिली बेस्ड कह लें बिजनेस है, सबने मिल के यहाँ पे पार्टिसिपेट अपना एक एक चीज़ पे रोल प्ले किया हुआ है। यहाँ पे जितने भी डिज़र्ट्स आते हैं सब एक एक डिज़र्ट मेरे से पास होके आता है पहले, बेशक मैंने टीम वगैरह सारी हायर की है लेकिन मैं एक एक चीज़ चेक करती हूँ कि कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। फिर हमारे कस्टमाइज केक्स का बहुत ज़्यादा काम होता है, उस पर मुझे होता है कि जो कस्टमर डिमांड कर रहे हैं एग्जैक्टली वही चीज़ मिलनी चाहिए हर। अच्छा, ये बताएं माशाल्लाह से ब्रांड तो आपने खोल लिया, तो आप नेक्स्ट आपकी क्या प्लानिंग है, फ्यूचर में आप इसे कहाँ पे देखती हैं? फ्यूचर में अभी तो ये कि मैंने सेकंड ब्रांच इसकी खोलने का प्लान कर रही हूँ और इसके बाद लाहौर में फर्दर इंटरनेशनल लेके जाने का मेरा प्लान है इसको इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि डिजर्ट्स की कौन कौन सी रेंज जो है वो आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर? मेरे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट सब डिज़र्ट्स की रेंज अवेलेबल है। मिनी लॉटस चीज़ केक, हमने चीज़ केक्स में रखा हुआ है, न्यूयॉर्क चीज़ केक है, मिनी लॉटस चीज़ केक है, सिनेमन रोल्स हैं जो सबसे पहले सियालकोट में कहीं पे भी नहीं है, अभी तक किसी भी मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। फिर पेस्ट्रीज़ की डिफरेंट रेंज है, डोनट्स की, फिल डोनट्स की रेंज है, सो सियालकोट में सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस करवाए थे, यहाँ पर फिल डोनट्स उस तरह नहीं थे, पेस्ट्री क्रीम के साथ बना के न्यू रेसिपीज़ डेवलप करा के मैंने सारा कुछ इंट्रोड्यूस करवाया। केक्स की डिफरेंट रेंज है, हम बटर में केक्स बना रहे हैं, मोस्टली लोग व्हिपिंग क्रीम में केक्स बनाते हैं, वो लाइट वेट होते हैं और वो टेस्ट वाइज इतना नहीं, इतना टेस्ट में इतना रिच नहीं होते जितने ये वाले केक्स रिच हैं, सारे बटर में बन रहे हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ हो रही हैं, क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि सब कुछ बिल्कुल A1 होना चाहिए, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़, मैं खुद सब कुछ चीज़ें देखती हूँ कि कोई भी चीज़ क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए क्योंकि मेन चीज़ आपकी क्वालिटी ही होती है जो आप लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, आप इसकी लोकेशन बता दें, ये कहाँ पे लोकेटेड है आपकी बेकरी? सियालकोट सिटी में सदर कैंट घंटा घर से बिल्कुल 100 मीटर्स डिस्टेंस पे है और आइस्टेक आइसक्रीम वाली रोड पे है, कॉर्सो बेक्स का बोर्ड इजीली नजर आ जाता है। अच्छा सर, ये बताएं कि आमतौर पर ये होता है कि लोग लड़कियों को जो है वो घर से बाहर जाने की जो है वो इजाज़त नहीं देते, खासतौर पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा देंगे भी तो वो पढ़ने के लिए देते हैं, काम वगैरह करने के लिए, लेकिन आपने माशाल्लाह मैट्रिक के बाद ही अपनी बेटी को जो है वो इजाज़त दे दी काम करने की? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल सही है कि यहाँ अगर आप एनालिसिस करें तो बच्चे पढ़ते हैं 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, मगर आउटपुट कोई नहीं है। तो एमन में और बाकी जो इसकी तमाम सिस्टर्स हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और बीइंग ए कोऑपरेटिव पेरेंट्स तो बिल्कुल हमने इन्हें इनक्रेज किया, अप्रिशिएट किया, इनको कहा कि अब निकलें, मैदान में आएं, मुश्किलात आएंगी उन्हें फ़ेस करें, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, पीछे हैं,
और हम बड़े खुश हैं इसके ऊपर कि ऐसे माशाल्लाह एनर्जेटिक बच्चे हैं हमारे कि हम इन पर प्राउड करते हैं और बहुत मेहनती हैं ये, ख़ासतौर पर एमन को इसने काफ़ी मेहनत की है। और जो बाकी बच्चों को भी मैं ये कहूँगा कि आप ज़रूर एजुकेशन लें मगर उसके साथ कोई ना कोई स्किल ज़रूर लें, क्योंकि आइंदा आने वाला दौर स्किल का है, चाहे कंप्यूटर की स्किल लें, चाहे कुकिंग की स्किल लें, किसी किस्म की स्किल लें वो ज़रूर लें। और पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी बच्चियों को बिल्कुल इस तरह बंद ना रखें, बाहर निकालें, वो लड़कों से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं और लड़कों से ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।